नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 28। पंडित उमानाथ सदन सिंह का फलदान चढ़ाए। उन्होंने जाह्नवी से गजानंद की सहायता की चर्चा नहीं की थी। डरते थे कि कहीं वह इन रुपयों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जाह्नवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था। उसके सामने वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने 1000 रुपये के दहेज पर विवाह ठीक किया था, पर अब इस चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध होगा। कम से कम 1000 रुपये की और ज़रूरत थी। इसके मिलने का उन्हें कोई उपाय न सोचता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांता का विवाह अच्छे घर में होगा, वह सुख से रहेगी और गंगाजली की आत्मा मेरे इस काम से प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी विवाह को 3 महीने हैं, अगर इस समय तक रुपयों का प्रबंध हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात का झगड़ा ही तोड़ दूंगा, किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा, बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही न होगा कि मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा, लड़की तो आराम से रहेगी। मैं यह झगड़ा ऐसी कुशलता से करूँगा कि सारा दोष बारातियों पर ही आए। पंडित कृष्णचंद्र को जेलखाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही न मिला था। वह कृष्णचंद्र के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद्र के स्वभाव में अब एक बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनमें गंभीरता की जगह एक उदंडता आ गई थी और संकोच नाम को भी न रहा था। उनका शरीर छिन्न हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी हुई मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय कहते सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर नीरवता छाई हुई रहती थी। वे अपने चारपाई पर करवटें बदल बदल कर यह गीत गाया करते। अगिया लागी सुंदर बन जड़ी गयो, कभी कभी यह गीत गाते। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी। जाह्नवी उनके सामने खड़ी न हो सकती, उसे उनसे भय लगता था। जाड़े के दिन में कृषकों की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थी। कृष्णचंद्र भी हार की ओर निकल जाते और वहाँ स्त्रियों से दिल्लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद था, पर कृष्णचंद्र की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवने ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती थी कि स्त्रियां लज्जा के मुंह छुपा लेती और आकर जाह्नवी को उलाहना देती। वास्तव में कृष्णचंद्र काम संताप में जले जाते थे। अमोला में कितने ही सुशिक्षित सज्जन थे, कृष्णचंद्र उनके समाज में न बैठते। वे नित्य संध्या समय नीच जाति के आदमियों के साथ चरस की दम लगाते बैठते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए अपने जेल के अनुभव वर्णन किया करते। वहाँ उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में सर्वमान्य थे। वे बहनोई के इन दुष्कृत्यों को देख देख कर रह जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार यहाँ से चले जाए। और तो और शांता को भी अब अपने पिता के सामने आते भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जाह्नवी से कृष्णचंद्र की करतूतों की निंदा करने लगती तो शांता को अत्यंत दुख होता था। उनकी समझ में ना आता था कि पिताजी का क्या हो गया है, वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील, कैसे सच्चरित्र मनुष्य थे, यह कायापलट कैसे हो गई। शरीर तो वही है, पर वह आत्मा कहाँ गई। एक तरह का 1 मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि इन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ऐसे निश्चिंत बैठे हैं तो मुंशी को क्या परी है, और व्यर्थ हैरानी में पड़ूं। यह तो नहीं होता कि कहीं जाकर 4 पैसे कमाने का उपाय करे, उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 28। धन्यवाद।